समझता कहीं भी सर हरियाणा भी पार्टी के विधानसभा चुनाव कहाँ से लड़ना? मैं तो चुनाव लड़ लिया अभी, विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना है अब तो। हमारी कोशिश एक ही है कि जो साथी विधानसभा चुनाव लड़े उनको ज्यादा से ज्यादा साथियों को जितवाया जाए, उनको पूरा प्रोटेक्शन दिया जाए, क्योंकि कई जगह हम देखते हैं जब चुनाव उम्मीदवार खुद लड़ रहा होता है तो उसको जिस तरीके से हेल्प मिलनी चाहिए, मदद मिलनी चाहिए, हर तरह का बैकअप उसको चाहिए होता है, वो नहीं रह पाता जब हमारे जैसे लोग चुनाव लड़ते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अभी हमें 90 के 90 सीटों पर पहले आकलन करना चाहिए कि इन सीटों पर हमारी स्थिति मजबूत है, उनको और हम सुदृढ़ करें और ज्यादा से ज्यादा साथी जीत के आए। अगली सरकार स्वागत करेगी और पूरा उनका सहयोग। जिस प्रकार से बेपटड़ी हुई है कांग्रेस इस लोकसभा चुनाव में, तो क्या लगता है कि कितनी मेहनत की जरूरत पड़ेगी आपको दोबारा से इसको पटली पे लाने पे? पटड़ी बेपटड़ी तो नहीं हुई है, निराश इससे मैं समझता हूँ कि जरूर हमारा वर्कर कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसके अंदर ये महसूस हुआ उसको कि हमने मेहनत करी लेकिन परिणाम उस हिसाब से नहीं है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि स्थिति बदलती रहती है, जब आज से 4-4.5 साल पहले लोकसभा के चुनाव हुए थे और 6 महीने बाद दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी एक भी सीट नहीं ले पाई थी, 67 सीटें जीत करके आम आदमी वहां पर जीती थी, आज वही आम आदमी की हालत क्या है तो जवाब ढूंढने की हमारी कोशिश जारी। फतेहगढ़ से 76,000 की लीड मिली बीजेपी प्रत्याशी को, स्थानीय नेताओं से कोई जवाबदेही उस बारे में? वो तो सबसे पूछा जाएगा, उनसे बात भी होगी और भी लोग अपना अपना फीडबैक दे रहे हैं, तो निश्चित तौर पर बात ये है, चुनौती ये है कि वो 76,000 की भरपाई ये सब लोग जो आने वाले समय में टिकटाती है भरपाई कैसे करेंगे, आज ये एक बड़ा सवाल है और उसके लिए मैं समझता हूँ कि हम लोग ये सब सोच रहे थे कि फतेहाबाद हल्के से लगभग आधा दर्जन के करीब टिकटाती हैं और उसके बावजूद 76,000 की जो हार है वो काफी बड़ी हार है, बड़ी चुनौती है, लेकिन चुनौती हम स्वीकार करते हैं। और पहले ही बता दिया था, मेरे को बताया था कि हम हारेंगे, लेकिन जितने हारेंगे उससे 4 गुना बड़ी हार हुई है, ये क्वेश्चन मार्क। एक नेता प्रतिपक्ष के नाम को लेकर मंथन चल रहा है, उसको लेकर क्या? उसके ऊपर अगले 3-4 दिन के अंदर कांग्रेस पार्टी जब मिलेगी तो हम साथियों का अवगत कराएंगे कि पार्टी का उसमें क्या लेना है। बहुत दिन से पेंडिंग है, अब तो नेता प्रतिपक्ष नंबर के हिसाब से तो कांग्रेस का ही बनना है।